हेलो गाइस, मैं हूं विक्रम नाइक। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि होम वर्कआउट किस तरीके से करना है, हमारे घर पे जो भी अवेलेबल सामान है, अवेलेबल चीज़ें हैं, उसको यूज़ करके हम लोग किस तरीके से वर्कआउट करने वाले हैं, ये आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लास्ट वीक भी मैंने इस तरीके का एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मैंने बताया था कि हमारे घर पर जो भी अवेलेबल सामान है, अवेलेबल चीज़ें हैं, वो यूज़ करके किस तरीके से वर्कआउट करना है। उसकी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दी है। ये जो वीडियो है अंत तक देखना, आपको ये वीडियो कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, होम वर्कआउट किस तरीके से करना है, उसकी फॉर्म एंड टेक्निक किस तरीके से चाहिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो गाइस, आज का होम वर्कआउट चालू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन से चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ। इसमें मैं एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग बैग है वो यूज़ करने वाला हूँ। इसमें मैंने अपने घर पे जो ब्लैंकेट यूज़ करते हैं वो मैंने दो ब्लैंकेट इसमें डाले हुए हैं, और इसमें तीन भर के पानी के बॉटल्स जो है, बड़े पानी के बॉटल्स मैंने इसमें डाले हुए हैं। इसका तकरीबन 7 to 8 kg वेट है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और होम वर्कआउट इस बैग के ज़रिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का होम वर्कआउट। फर्स्ट लेने वाले हैं हिंदू पुशअप्स, मतलब सूर्य नमस्कार, उसको हिंदी में कहते हैं सूर्य नमस्कार। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। तो हम लोग सेकेंड वर्कआउट लेने वाले हैं पुशअप्स। इसमें हम लोग ये बैग का, जो बैग हम लोगों ने ली है कॉलेज गोइंग बैग, इसका यूज़ करने वाले हैं। इसमें हम लोग 3 types के पुशअप्स हम लोग लेने वाले हैं। एक है नॉर्मल फ्लैट पुशअप लेने वाले हैं, एक डिक्लाइन पुशअप लेने वाले हैं, एक इंक्लाइन पुशअप लेने वाले हैं। नेक्स्ट वर्कआउट जो है स्क्वाट के लिए भी हम लोग ये बैग का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो थोड़ा स्क्वाट के ऊपर, थाइस के ऊपर थोड़ा प्रेशर आना चाहिए, इसके लिए हम लोग ये बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। फोर्थ वर्कआउट है वो केटलबेल स्विंग। हमारे पास तो केटलबेल स्विंग है नहीं, बट हम लोग इसी बैग का इस्तेमाल करके केटलबेल स्विंग कैसे करने है ये मैं इसमें दिखाने वाला हूँ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का केटलबेल स्विंग। नेक्स्ट वर्कआउट है क्रंचेस। क्रंचेस में भी हम लोग इसी बैग का इस्तेमाल करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने नॉर्मल जो फुटबॉल है वो लेके मैंने क्रंचेस कैसे मारने को दिखाए थे। अभी थोड़ा सा वेट इसमें इंक्रीज़ हो गया है, तो बैग लेके हम लोग किस तरीके से क्रंचेस करेंगे ये मैं इसमें दिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रंचेस। नेक्स्ट वर्कआउट लेने वाले सुमो स्क्वाट। सुमो स्क्वाट में भी हम लोग इस बैग का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो देखते हैं कि किस तरीके से सुमो स्क्वाट करने हैं। सुपरमैन, इसमें एक वर्कआउट है सुपरमैन। इससे आपका जो लोअर बैक है और ग्लूट्स है, उसके वर्कआउट के लिए हम लोग सुपरमैन ये जो वर्कआउट है हम लेने वाले हैं। उसके बाद है ग्लूट ब्रिज। ग्लूट ब्रिज करने के लिए हम लोग नॉर्मल फ्लोर पे सोके भी ग्लूट ब्रिज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इंटेंस और अच्छा फील होने के लिए और ग्लूट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आने के लिए और एक्टिवेट होने के लिए हम लोग थोड़ा इंक्रीज जो पैर है वो थोड़ा ऊपर रख के ग्लूट ब्रिज करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लूट ब्रिज किस तरीके से करना है। तो
गाइज आपको आज का वीडियो कैसे लगा यह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि होम वर्कआउट किस तरीके से करना है, नॉर्मल स्कूल कॉलेज गोइंग बैग जो है वो लेके हम लोगों ने आज का वर्कआउट किया हुआ है। तो आज का वर्कआउट आपको कैसे लगा ये हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। प्लस ये जो चैनल है वो मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।